चिज्जी, चिज्जी, जिंदगी में पहली बार थारे को हारता हुआ देख रहा हूं, वो भी जे बदनामी के डर से। अरे बदनामी के डर से तूने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया? बदनामी से तो मैं जिंदगी भर लड़ती आई हूँ, अब बची कुछ जिंदगी भी मैं बदनामी से लड़ती लड़ती गुजार दी थी। विष्णु, ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। अपनी मर्जी से? वो भी उस आदमी से जो मानसिक रूप से बीमार है। जी, युवाड़ तो हमेशा से यही था, थारे को जे ख्याल पहले तो ना आया, अब बस मारे से ये ना कह देना कि एकदम से प्यार हो गया थारे को। विष्णु, थारे को पता है मारी माँ ना हमारे पापा से बहुत प्यार करती थी, बहुत जान देती थी उनपे। थारे को ये भी पता है कि बदले में उन्हें क्या मिला। हमारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, माँ ने हमारे को शादी की सबसे पहली सीख के दी, पता है कि बन्नी शादी उससे करना जो जो थारे से बहुत प्यार करे, और युवान वो पूरे दिल से पूरी पवित्रता से मारे से प्यार करे। विष्णु, मारे से शादी करने के लिए कि कुछ ना किया उसने। अरे जिज्जी, हालत देखी युवान की, थारी सारी जिंदगी ना संघर्ष में गुजरेगी। जिज्जी मारी बात मान, थारी को और लड़के मिल जाएंगे जो थारी को बहुत प्यार करेंगे, पर चेड़ा होने थे जिज्जी। सही कहा विष्णु, बन्नी को तो कई मिल जाएंगे, पर युवान, युवान का क्या पता कि उसे कोई बन्नी मिलेगी या ना मिलेगी। हाँ विष्णु, ये शादी का फैसला मैंने सिर्फ अपने लिए ना लिया, युवान के लिए भी लिया है। बहुत जरूरी है कि युवान की जिंदगी में एक बन्नी हो, वरना उसके वो घर वाले, अरे उसके घर वाले तो उसे खत्म कर देंगे। विष्णु, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसके घर वाले युवान के साथ ये कुछ ना करते हैं। उसके शरीर की चोटें, उसके मन की चोटें मैंने खुद देखे उन्हें। अब उन चोटों में मलहम लगाने वाली, उसे आगे की सभी चोटों से बचाने वाली कोई चाहिए ना। और जीजी, थारे को क्या लगता है जब तू उस घर में जाएगी तो आरती उतारेंगे थारी? अरे फूल बरसाएंगे? ना जीजी, अरे जो चोटे युवान के लिए थी ना वो थारे नहीं होंगी। अरे अकेली पड़ जाएगी तू, कमजोर पड़ जाएगी जीजी, मारी बात मान ले। कैसे अकेली पढ़ूंगी? अरे दादो सा है ना, बुआ दादी सा है, विष्णु मायरा भी है ना। और सबसे बड़ी बात विष्णु, सिर्फ युवान के साथ बन्नी ना है, बन्नी के साथ युवान भी तो है। युवान जो हमारा पति होने के साथ साथ जीवन भर के लिए हमारा दोस्त भी तो होगा। अरे लड़की चाहे घर में काम करे या घर के बाहर काम करे, अपने जीवन की लड़ाई अपनों से लड़े या चाहे गहरों से लड़े, और इन सब के बाद जब वो थक जाए ना तो उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, कोई जो उसे प्यार करे, उसे समझे और उससे ये कहे कि मैं हूं ना थारे साथ, और मैं जानू कि ये सब युवान में है। हाँ बस एक छोटी सी कमी है कि युवान मानसिक रूप से ठीक ना है, पर ईश्वर अगर हमसे कुछ ले रहे हैं ना तो बदले में हमें बराबर का देवी भी तो है, दिमाग में थोड़ी कमी दी है पर दिल में पूरी कर दी ना। दिल देखा है उसका कभी? कभी कभी तो हमारे को लगे कि हम आम लोग उसके सामने कितने खोखले हैं, कितने फीके हैं,
एक छोटी सी कमजोरी देख के हम उस इंसान से रिश्ता बांधने में कैसे डर जा रहे। लेकिन कभी कभी तो युवान जैसे लोग वे इतना प्यार इतनी खुशियां दे जाते हैं ना, जो हम आम लोग कभी ना दे पाए। पर मारे को पता है कि युवान के दिल में सिर्फ मारे लिए जगह है, सिर्फ मारे लिए प्यार है। और ये जगह, ये प्यार किसी और को ना मिल सकती। होने वाली जीवन साथी भी है। मैं कसम खाता हूँ कि युवान कभी शादी की बात नहीं करेगा। मामा कितनी देर हो गई, एक पूरा दिन हो गया, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। मामा सॉरी ना, बात करो ना मुझसे। मामा की कसम खाई थी ना कि तुम अपने दोस्त आदित्य के साथ अभी कभी स्कूल बंक नहीं करोगे। तुमने कल फिर से स्कूल बंक किया, गायब हो गए स्कूल से। मामा लेकिन आदित्य को स्कूल में पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो मेरा दोस्त है और दोस्त का साथ तो देना पड़ता है ना, इसलिए जब वो भागता है तो मुझे भी भागना पड़ता है। ना बेटा, दोस्त का साथ देना गलती में उसका साथ देना नहीं होता, बल्कि गलत को रोकना होता है। तुम्हें आदित्य को रोकना चाहिए था ना, उसे कहना चाहिए था कि स्कूल बंक करना बहुत गलत है। अब मम्मा को प्रॉमिस करो कि तुम मम्मा की कभी झूठी कसम नहीं खाओगे। अगर तुमने दोबारा मम्मा की कसम तोड़ी ना तो मम्मा बहुत नाराज हो जाएगी। नहीं मम्मा, मैं आपकी कभी भी कसम नहीं तोड़ूंगा, प्रॉमिस। प्लीज युवा, खाओ कसम हमारी दोस्ती के लिए। और अगर तुम सच में मुझे अपना सच्चा दोस्त मानते हो तो मैं कसम खाता हूं कि युवान कभी भट्टी से शादी की बात नहीं करेगा। पिछले कुछ दिनों में युवान के साथ मैंने ये देखा है, समझा है उसे कि ये नियति जैसी कोई भी लड़की उसके दिल में जगह ना ले पाए कि जो मैंने पाई है। युवान हर हाल में हमारा साथ देगा, कभी ना छोड़ेगा हमारे को, जैसे हमारे पापा दिमाग को छोड़ के भाग गए थे। क्या हो गया? तू युवान से शादी नहीं कर सकता। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। क्यों? वो दादू युवान ने ना, मैंने ना मम्मा की कसम खाई है और बन्नी को बुलाई कि बन्नी मैं तुमसे कभी शादी की बात नहीं करूंगा। मम्मा प्रॉमिस, तो शादी की बात नहीं कर सकता, प्रॉमिस तो नहीं तोड़ सकता ना दादू, कसम नहीं तोड़ सकता। बोला बाजरा है तू। अरे थारी मम्मा तो बन्नी ने बहुत ही ज्यादा पसंद करे है। मम्मा पता है मम्मा पसंद तो करती है बन्नी को, बल्कि मैं तो कहूँ कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे कि थानी और बन्नी की शादी हो रही है। खुश हो जाएंगे? हाँ। और नहीं दादू, खुश कैसे हो जाएंगे, मैं तो मम्मा की कसम खा के बोला कि मैं बन्नी को शादी की बात नहीं करूंगा, तो कसम तोड़ने पे मम्मा खुश कैसे हो जाएंगी भला? वो तो नाराज हो जाएंगे ना, गुस्सा हो जाएगी जैसे होती है हमेशा कसम तोड़ने पे। नहीं, शादी नहीं हो सकती, कसम नहीं तोड़ सकते मैं ना दादू। हाँ बन्नी को जाके मना कर देता हूँ। रुक जा। तू बैठ उठे, अरे बैठ, मैं मेरी बात सुनता हूँ। तू आप मेरी बात सुनो दादू, ऐसे 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 हाथ थाम के ऐसे पापा के ऊपर हाथ रख के युवान ने कसम खाई थी कि बन्नी युवान तुमसे कभी धीरे धीरे
बन्नी, युवान तुमसे कभी शादी की बात नहीं करेगा। तो दादू कसम तो नहीं तोड़ सकते ना दादू, नहीं शादी नहीं हो सकती, मना करना पड़ेगा बन्नी को। तू भाई साहब ना ना, तू बन्नी से ऐसे वैसे कोई बात ना करेगा ना। पहले से तारी भाई से कितनी दुखी है बेचारी, तूने देखा ना, तूने देखा ना कैसे कैसे लोगों ने का बर्ताव करा उसके साथ। उसको गंदा गंदा बोला, उसके सामने मारा पीटा, उसका घर तोड़ फोड़ के रख दिया। देख बेटा, जो अब तू ना बोलेगा ना शादी के लिए, तो लोग फिर से उसे परेशान करने लग जाएंगे। बन्नी ने फिर वही सब कुछ झेलना पड़ जाएगा। तू चाहे बन्नी वो सब झेले फिर से? नहीं 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 दादू नहीं, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई दादू, हम तो प्रॉब्लम में फंसते ही जा रहे हैं। अब अगर शादी नहीं की तो भी बन्नी को प्रॉब्लम होगी, और कसम भी तो बन्नी ने दिलवाई थी, तो अब क्या करें? सुन 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 मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले। अच्छा बच्चा करना बच्चा, अच्छा अच्छा। तू 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 तुम्हारे को एक बात बता, बन्नी मम्मा और दादू इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन? बन्नी मम्मा दादू, दादू 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 तो घर में सबसे बड़े आदमी की मान रखा जावे कि ना रखे, उसकी बात मानी जावे कि ना जावे। तो इसलिए ये थारे दादू सा थारे से कह रहे हैं कि दादू सा क्या कह रहे पे तो अपनी मम्मी की कसम तोड़ सके। मम्मा की कसम तोड़ सके? हाँ, और फिर थारी मम्मा भी थारे को कुछ ना बोलेगी, खुशी खुशी राजी हो जाएगी इसके लिए। चिची चिची तुम्हारी बात समझ ना रही है, अरे युवान की जैसी हालत है, ऐसे में उसका दोस्त बन के रहना एक अलग बात है जिजी, और 24 घंटे उसके साथ रहना, सारी जिंदगी बताना अलग, सारी लाइफ लड़ती रहेगी जिजी तू। विष्णु, ऐसी कौन सी शादी होती है जिसमें चुनौतियां ही ना होती? हाँ विष्णु, कहीं बेमानी है तो कहीं बेइज्जती, कहीं अहंकार है तो कहीं अभिमान है, तो कहीं तिरस्कार है, कहीं रिश्ता है पर प्यार ही ना है। अरे कौन सा ऐसा रिश्ता है जिसमें कमी ना होती? हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी होती है, अब बस इस रिश्ते में जो कमी है उसका नाम दूसरा है। आप शादी किसी से भी करो, पर नए घर में नए रिश्तों में बंधने में अपनी खुशियां ढूंढने में उन्हें संभालने में थोड़ा टाइम तो सबको ही लगता है ना। चिची दिमाग से सोच, दिमाग से। दिमाग रिश्ते में लगा दूंगी तो बन्नी चा होम डिलीवरी बिजनेस में क्या लगाऊंगी? रिश्तों में दिमाग ना विष्णु, दिल लगाना पड़े। और तारी जिजी अपने दिल से सोच के युवान का हाथ थामने जा रही है। तो याद है जब थारी मम्मा थारे संग थी, अपने लाडले युवान के संग थी, तब दादू उससे कहीं कुछ कहते थे तो उसकी बात टालती ना थे, एकदम से मान देती थी। ऐसे जी पापा साहब, हां पापा साहब, हां। तो दादू आप मम्मा को बोल दोगे वो ऐसे गुस्सा ना हो मुझ पे? हां बोल दूंगा। उत्ती बात बल्कि तू ये समझ ले कि दादू ने थारी मम्मी से बात करी। ले बल्कि मैं थारे सामने कह दूं थारी मम्मा से, युवान की मम्मा, नाना युवान है ना, वो अपने दादू के कहने पे थारी कसम तोड़ रहा है, तो तू उससे नाराज ना होना, बल्कि खुशी खुशी अपने लाडले को शादी का आशीर्वाद दे देना। मैं मान गई। अभी तो बोला जी पापा साहब, मान गई। अब मम्मा नाराज नहीं, गुस्सा नहीं होगी युवान पे, तो दादू अब तो युवान और बन्नी की शादी हो सकती है। युवान और बन्नी की शादी होगी, युवान और बन्नी की शादी होगी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।